हेलो एंड वेलकम, आप सभी का माइनिंग वर्ल्ड में स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक माइनिंग के बारे में। हाइड्रोलिक माइनिंग ऑफ कोल एक टेक्नोलॉजी है जो कि अंडरग्राउंड कोल माइन में यूज़ की जाती है, जो कि ब्लास्टिंग और अन्य मेथड्स का विकल्प है। तो हाइड्रोलिक माइनिंग का क्या मतलब है और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका एप्लीकेशन कहाँ है और ऑपरेशन कैसे हुआ, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। ये रिलेटिवली एक नया टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि गेट, वेरियस एमटीज में इसका महत्व है, इसीलिए ये वीडियो पूरा देखें। तो हिस्ट्री, तो हाइड्रोलिक कोल माइनिंग की हिस्ट्री की बात करें तो इसे तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा पिक्चन के प्रणाम स्वरूप 1935 में कीजल कोल फील्ड में शुरू किया गया था। वॉट इज हाइड्रोलिक माइनिंग ऑफ कोल, देखते हैं कि आखिर हाइड्रोलिक माइनिंग ऑफ कोल यानी कि कोयले का हाइड्रोलिक खनन क्या है। तो हाइड्रोलिक माइनिंग ऑफ कोल भूमिगत कोयला खदान में से कोयले का खनन और उससे सरफेस पर भेजने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और हम इसमें इन्वॉल्व होने वाले ऑपरेशंस की बात करें तो इसमें दो प्रकार के ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, पहला कोल सीम का हाइड्रोलिक एक्सट्रैक्शन और दूसरा कोल ऑटर का स्लरी फॉर्म में सरफेस पर हाइड्रोलिक ट्रांसपोर्ट करना। कुछ एक्सेप्शंस में कोल को सीम से मैकेनिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर कोल और वाटर का मिश्रण हाइड्रोलिकली सरफेस पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक लेआउट है हाइड्रोलिक कोल माइन का। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो ये हाइड्रोमोनिटर पिलर से कोल को हाइड्रोलिकली एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि वहां पर डीप लेयरिंग हो रही है, और एक हाइड्रो मॉनिटर एडवांस कर रहा है जो कोयला एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और जो कोयला एक्सट्रैक्ट हुआ वो यहाँ नीचे जा रहा है वाटर में मिक्स होकर, फिर इस इन बाय स्क्रीन एंड क्रशर स्क्रीन से होते हुए ऊपर रॉ कोल बंकर में जाता है, फिर वहां से डिवॉटरिंग हो जाती है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, आप जो लेजेंड देख रहे हैं यहाँ पर 4 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट दिख रहे हैं, 3 कोल के लिए और 1 वाटर के लिए। इससे आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। अगर सूटेबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो हाइड्रोलिक माइनिंग को बहुत सारे वेरियस कंडीशंस में टेस्ट किया जा चुका है, जिनमें हार्ड से हार्ड, सॉफ्ट से सॉफ्ट, गैसी टू वेरी गैसी, सभी तरह की सीम्स में इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। और उन टेस्ट से हमें ये पता लगा है कि हाइड्रोलिक माइनिंग सभी तरह की सीम थिकनेस में एप्लीकेबल है, पर अगर हम सीम थिकनेस हाई हो तो अच्छी प्रोडक्टिविटी अचीव करी जा सकती है। दूसरा के रूफ स्टेबल होनी चाहिए ताकि रूफ कोलैप्स होने से पहले ही एक्सट्रैक्शन किया जा सके, और अनस्टेबल रूफ होने पर हाइड्रोलिक माइनिंग होने की संभावना घट जाती है। हार्डनेस ऑफ कोल की बात करें तो कोल सॉफ्ट होना चाहिए। ऑपरेशंस इन्वॉल्व में आए तो दूसरे कॉन्वेंशनल मेथड्स की तरह ही इसमें भी 2 स्टेज होते हैं, जो कि डेवलपमेंट और एक्सट्रैक्शन है। डेवलपमेंट में आए तो रोडवेज का डेवलपमेंट हाइड्रोमोनिटर्स करते हैं या कंटिन्यूस माइनर, और दोनों केसेस में कोल ट्रांसपोर्टेशन हाइड्रोलिकली ही होता है, जैसा कि आपने पहले फिगर में भी देखा होगा। एक्सट्रैक्शन की बात करें तो उसमें भी हाइड्रोमोनिटर्स पिलर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्ट्राटा मैनेजमेंट में कुछ खास अलग नहीं है, इसमें भी वही कॉन्वेंशनल मेथड्स की तरह रूफ बोल्ट, स्टील आर्चेस, टिम्बर प्रॉप्स एक्सेट्रा क्यू यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक जटिल फोटो है सरफेस पर लगे पाइपलाइन की, इन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं कॉन्वेंशनल कन्वेयर सिस्टम से, और दूसरी तरफ एक हाइड्रोलिक सेटअप है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोलिक माइनिंग, तो पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। हाइड्रोलिक माइनिंग एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है, ओवरऑल प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। इसमें कॉन्वेंशनल प्रोसेस के कॉन्ट्रास्ट में कम इक्विपमेंट्स एंड प्रोसेसेस का यूज होता है, जिससे कि लेबर और कॉस्ट दोनों में रिडक्शन होती है। ये एक तरह का रिमोट कंट्रोल प्रोसेस हो जाता है जो कि ऑपरेटर को एज देता है ओवर अदर कॉन्वेंशनल मेथड्स। जैसा कि हमने देखा कि फेस पर वर्कर्स और इक्विपमेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं है, तो सपोर्ट्स का भी कोई नीड नहीं होता है, एंड ऑफ कोर्स हेल्थ हजार्ड्स आर रिड्यूस्ड इन दिस फॉर्म ऑफ माइनिंग, और पॉल्यूशन भी नेग्लिजिबल होता है। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है और ऑपरेशनल कॉस्ट में डिक्रीज आता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। इलेक्ट्रिकली और फ्यूल के कॉस्ट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आता है।
इन कॉन्ट्रास्ट विथ कॉन्वेंशनल मेथड्स ऑफ माइनिंग। एंड हाँ, माइन के अंडर ह्यूमिडिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। पर यहाँ एडवांटेजेस इसके डिसएडवांटेजेस को डाउन प्ले करते हैं, यानी कि एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। पर एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी होगी वो ये है कि इसका एप्लीकेशन का रेंज वाइड नहीं है, मतलब कि हर अंडरग्राउंड में इसे अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब कि इस टेक्नोलॉजी हम यूज़ नहीं कर सकते। हाइड्रोलिक माइनिंग ऑफ कोल इन इंडिया। वेल, अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करें तो यहाँ पर CIMFR सिम्फर ने BCCL की कोपालीचक माइन में ट्रायल्स कंडक्ट किए थे। बट एज यू नो कि हमारे कोल फील्ड्स में जियोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज काफ़ी ज़्यादा हैं, और इतना ही नहीं, हाइड्रोलिक यूज़ करने पर भी यहाँ पर कोल इतना कट नहीं हुआ जितना होना चाहिए। और फिर दूसरे स्टेज में मैकेनिकली एक्सट्रैक्ट करने के बाद हाइड्रोलिक ट्रांसपोर्टेशन से भेजने की कोशिश की गई, पर वो भी फेल रहा। बट स्लाइट मॉडिफिकेशंस के बाद अच्छे रिजल्ट आए, पर अभी तक इंडिया में इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपका फीडबैक एंड सजेशंस कमेंट कीजिए। हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए माइनिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए।